हेलो। चलो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वाला चैप्टर। कल रिकॉर्ड कर दिया था मैंने ये थोड़ा सा और आगे, बट वो भी थोड़ा साउंड इशू आ रहा था, तो मैं दोबारा से स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, तो मैं चेंज परसेंटेज वाला टॉपिक दोबारा से कराता हूँ। ठीक है, हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं इस शॉपिंग वाली से। ठीक है, जो ड्रेस आपकी 10,000 पीस की थी कुछ टाइम पहले, अब वो 15,000 पीस की हो गई है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था चेंज परसेंटेज, चेंज के परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपसे बोला अल्टीमेटली, ठीक है, सब कुछ हो गया, सब कुछ आपको पता चल गया, तो ज़रा कैलकुलेट करके तो बता दो। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, फॉर्मूले वैल्यू का आपको दो जगह फॉर्मूला लगाया, चेंज फॉर्मूला लगाया, चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला, चेंज कितने रुपये का हुआ, टेन से 15,000 हो गई, 10,000 से 15,000 हो गई, 5,000 का इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ तो 5,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर किससे हुआ, ओरिजिनल अमाउंट क्या था, यानी पुराना इंटू 100, इंटू 100 3 0 से, ये 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 और 5 और 10 5 50, तो 50% आपका आंसर आ गया। यानी 50% क्या होता है कि प्राइस आपका 50% इंक्रीज हो चुका है, प्राइस आपका 10 20 30 नहीं 50% इंक्रीज हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, ये सिंपल से मैंने आपको बताया था। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 125 टू 115। एक नंबर है वो 125 से कितना हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, और इंक्रीज होकर क्या बन गया, 150 बन चुका है। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, यानी वो चेंज परसेंटेज निकालना है। तो पहले इन दोनों के बीच का चेंज निकालना है, इन दोनों के बीच का चेंज क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर यानी पुराना वाला, यानी 125 इंटू 100 हो जाएगा आपका आंसर 20% आई थिंक आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम 125 टू 100, एक नंबर 125 से 100 हो गई, यानी यहाँ पर भी चेंज कितने का, 25 का हुआ, आउट ऑफ 125 पुराना नंबर कौन सा है, 125 ही है, इंटू 100 ये भी 20% इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या होमवर्क में है, ओवरऑली मैंने आपको करा दिए हैं, आपको लिख कर कर लें। ठीक है, दोनों होमवर्क में है। फिफ्थ वाला, फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज वेयर अ नंबर इज चेंज फ्रॉम 80 टू 100, 100 टू 80, 6.25 टू 7.50। वो कह रहा है एक नंबर है 80 से 100 हो चुका है, एक नंबर 100 से 80 हो चुका है, एक नंबर 6.25 से 7.50 हो चुका है, यहाँ पर चेंज परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो पहले इनका चेंज देखो, इनके बीच में चेंज कितना है, तो सर यहाँ पे चेंज 20 रुपीज़ का है, और पुराना अमाउंट कितना है 80, तो 20/80 इंटू 100 आपको 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनका चेंज कितना है 20, और पुराना अमाउंट कितना है 100, यहाँ पर आपका 20 बन गया, यहाँ पे आपको 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये भी कर लेना, ये भी होमवर्क में आपको तीनों, ठीक है, दो महीने ओरली करा लें, इसको भी ओरली आप कर लेना, इसका आंसर वैसा पता है कितना आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 0.25 आउट ऑफ 6.25, पुराना अमाउंट कितना है 6.25 इंटू 100, 4% आई थिंक इसका आंसर आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, बहुत ईजी है। टेंथ वाला क्या कह रहा है, अ नंबर इज 3.625 इज रॉन्गली रीड एज 3.265,
एक नंबर था जो था क्या बेसिकली, रियल नंबर क्या था, 3.625, 3.625, और हमने उसको गलती से क्या पढ़ लिया, 3.265, यानी कि सर 3.6 हम 3.2 पर चले गए, यानी हमने कम बता दिया, हमने क्या बता दिया नंबर कम बता दिया, हमने डिक्रीज कर दिया बेचारे को। तो बताओ आपने कितना डिक्रीज कर दिया, अब वो परसेंटेज एरर जो आपने गलती की है ना, बताओ कितने परसेंटेज की आपने गलती की है। तो सर यानी वो चेंज परसेंटेज है और कुछ नहीं, तो यहाँ पर चेंज निकालो दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच चेंज निकाल लेना, फिर जो भी चेंज आए डिवाइडेड बाय ओल्ड नंबर, ओल्ड नंबर क्या है 3.625, 3.625 डिवाइड करना इन टू 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10th वाला क्या कह रहा है, 5.78 इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 इज रॉन्गली रेटेड एज, पहले को सॉल्व करो तो क्या जाएगा, 5780 10 टू द पावर 3 का 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 5.78 तो 5780 आ जाएगा, ऐसे नीचे वाले को सॉल्व करोगे 5.87 इंटू 1000 तो आपका 5870 आ जाएगा, नंबर आपके पास आ गए, और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना, फिर डायरेक्ट डिवाइडेड बाय ओल्ड नंबर कर देना, तो ओल्ड नंबर क्या है 5780, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या होमवर्क है, ठीक है, और क्या क्या होमवर्क में आपके लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 10, 19, 20 भी आपके होमवर्क में है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज 20%, देन डिक्रीज बाय 30%, फाइंड यूनिट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ये एक मैं कराता हूँ, 19 वाला मैं कराता हूँ, 20 वाला आपका लेना, ठीक है, 19 वाला मैं कराता हूँ, 20 वाला आपका लेना। इस वाले केस में ना आपको कोई दिक्कत नहीं, इस वाले केस में जब परसेंटेज चेंज पूछा है ठीक है, और आपको कॉस्ट भी दी नहीं है, आपको कॉस्ट भी दी नहीं है, तो यहाँ पर कॉस्ट 100 एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सर एक्स जूम कर सकते हो, सर एक्स मंथ का हो जाएगा, एक्स मंथ की भी हो जाएगा, आपकी इच्छा, तो आप कैसे भी करो, मैं 100 के लूँ, ठीक है, तो लिखता हूँ मैं, लेट द कॉस्ट भी एक्स, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मैंने मानी 100 है ना, एक आर्टिकल की कॉस्ट मैंने क्या मानी 100, ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है, क्वेश्चन में दी नहीं, ये मैंने एज्यूम किया है। अब वो कह रहे थे क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले क्या हुआ, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो सर न्यू कॉस्ट क्या हुई, न्यू कॉस्ट क्या हुई, आफ्टर 20% इंक्रीजमेंट, After 20% increment, सही तो सिंपल है, 100 प्लस 20% ऑफ 100, 20% ऐड करना है, 20% ऑफ 100, ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, सर 100 का 100, 20% को मैं 20% ऑफ का मल्टीप्लाई, फिर 100 का 300, फिर 100 से 100 कैंसिल, वैसे 100 प्लस 20 यानी ये क्या हो गया 120, ठीक है, न्यू प्राइस क्या है 120। फिर कह रहा है कि आपने 20% इंक्रीज किया ना, उसके बाद आप 30% डिक्रीज कर दो, देन मतलब कि उसके बाद आप 30% डिक्रीज कर दो, तो दोस्तों न्यू प्राइस क्या है,
न्यू प्राइस या न्यू कॉस्ट आफ्टर डिक्रीजमेंट ऑफ 30%. सर 125 120 तो आ चुका है हमारा प्राइस, अब इसमें 30% माइनस करना है. 30% क्या करना है, माइनस करना है 30% ऑफ 120. सॉल्व करो इसे, 120 का 120 माइनस का माइनस और 30 पर सेंट ऑफ को मल्टीप्लाई. अब 120 का 120 10 से 10 कैंसिल, फिर इस 10 से ये 10 कैंसिल, बचा गया 3 × 12. 3 × 12 आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका, ये तो 120 ही रहेगा. यहाँ पे क्या आएगा आपका, 3 × 12 करोगे तो 36. नेट प्राइस कितना है आपका, 120 का 36 माइनस करो 84. 84 नहीं, 20 तो ये गए, 10 हो गए, 6 हो गए, 84 बचा. तब आपकी जो न्यू कॉस्ट है वो कितनी है ना, ये तो 84 न्यू लेटेस्ट प्राइस आया. ठीक है, अब आपके पास चेंज पूछा, अब आपके पास चेंज कितना आया, चेंज चेंज परसेंट का फॉर्मूला क्या है, चेंज परसेंट का फॉर्मूला क्या, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. तो चेंज जो भी हम निकालते हैं वो निकालते हैं विद कंपेयर विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड प्राइस. तो ओल्ड प्राइस कितना 100, और 100 से अब कितना प्राइस रह गया 84. कितना चेंज आया, 100 माइनस 84 हमने चेंज निकाल लिया, 100 माइनस 84 60 रुपीज़ का चेंज आ गया. और ओल्ड प्राइस कितना था 100, इसको सॉल्व कर लो, आपका 16% चेंज हो गया. 16% क्या हो गया, चेंज आ गया. और फिर 16% चेंज कैसा है सर, कॉस्ट गिरी है ना, तो 60% का डिक्रीजमेंट है. 16% का क्या है, आप नोट कर लो तो ठीक है, नहीं क्या हो तो बैक करके वीडियो को पॉज कर लेना. ठीक है, वो पॉज करके और बैक करके नोट करते हैं. तो 19th वाला मैंने आपको करा दिया, 20th वाला आपको होमवर्क. ठीक है,